नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आप सभी का बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉली विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी परीक्षा को सही दिशा के साथ तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज की इम्पोर्टेंट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि अष्ट धातु की एक विशाल प्रतिमा जो कि माता सीता का जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा कहा जाए तो 251 मीटर ऊँची होगी। ये प्रतिमा बिहार के सीतामढ़ी में जो है ये स्थापित की जाएगी। रामायण रिसर्च फाउंडेशन की ओर से जो है घोषणा की गई है। ये वृत्ताकार रूप में भगवती की 108 प्रतिमाएँ भी स्थापित होगी उनके चारों ओर। तो बहुत बड़ा जो है बदलाव बिहार में आने वाला है जो कि एक विश्व कीर्तिमान स्थापित की जाएगी। दूसरी जो बात की जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो है 16 हज़ार पुराना जो वैभव है वो लौट रहा है। 56 एकड़ में फैला ये कैंपस है, इसमें जल्दी इसको काम हो रहा है। और बता दें कि 1193 में यहाँ पर हमला हुआ था जिसके कारण से जो है ये पूरा तरह से बर्बाद हो गया था। इसके बाद इसे लगातार इतिहास के पन्नों में इसके बारे में दिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। तो आखिरकार जो है इसको तैयार किया गया है, काफ़ी ये समृद्ध हो चुका है। और 5वीं सदी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर उससे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, शेयर कर दी, नहीं तो बेल आइकन प्रेस करता है ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज की बात शुरू करते हैं। बता दूँ कि उमर अता बंदियाल ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पद की शपथ ली। न्यूयॉर्क सबसे पुराने शहर के रूप में मशहूर जेरिको के तेल ऑल सुल्तान में हाल ही में खुदाई के दौरान मानव सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। पुरातत्वों के अनुसार शहर में मानव बसावट लगभग 3000 साल पुरानी है। तेल ऑल सुल्तान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इकोनॉमिक सर्वे 2022 के अनुसार बेंगलुरु को पछाड़ का दिल्ली स्टार्टअप कैपिटल बना है। राज्यों में संवैधानिक स्टार्टअप महाराष्ट्र में शुरू हुआ है होगा। फरवरी 2022 तक देश में 63% मानचित स्टार्टअप पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवालों से आपको रूबरू कराने वाला हूं। तो रेगुलर देखिए और कंटिन्यू देखिए ताकि आपको एक मार्गदर्शन मिल सके और आप सही दिशा में अपना तैयारी कर सको। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं न्यूज़ की ओर। तो नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो बता दूँ कि शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति होंगी। वह वर्तमान में महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। भारत की अंडर-19 टीम ने इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार अंडर-19 विश्व कप जीता। जोधपुर की शिक्षिका और डॉक्टर आसोपा की केंद्र सरकार ने शैक्षणिक नवाचार के लिए राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आप देख रही हैं दाहिनी साइड में ये महिला है जो कि इनको DU का चांसलर नियुक्त किया गया है। तो कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखा देता हूं ताकि आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आपको बहुत सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं और जानते हैं और क्या क्या बहुत सारे सवाल हैं। तो ये माता सीता का विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार में लगेगा, सीतामढ़ी में। नालंदा विश्वविद्यालय जो है अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है। 1600 साल पुराना ये है वैभव। तो चलिए बता दूँ गौतम अडानी एशिया के सबसे रईस अरबपति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग विलियर इंडेक्स के मुताबिक इस साल उनकी संपत्ति 90,000 करोड़ बढ़ी। अडानी की नेटवर्थ लगभग 6,63,00,000 रुपए से ज़्यादा है। यह मुकेश अंबानी जी की नेटवर्थ कहा जाए तो 6.59 लाख करोड़ रुपए से 4,000 करोड़ रुपए अधिक हैं। काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। तो ये देख सकते हो कि मुकेश अंबानी को पछाड़ कर आगे बढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं और जानेंगे बहुत कुछ जानकारियाँ। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं न्यूज़ की ओर। बता दूँ कि एक भारतीय महिला शिक्षिका है जिनको नवाचार के लिए शिक्षा क्षेत्र में उनको केंद्र सरकार की तरफ से नवाजा गया है, सर्टिफिकेट दिया गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं।
ने संसद में रखे 3 साल के आंकड़े। बेरोजगारी से 9,000, दिवालिया होने से 16,000 ने की खुदकुशी। झारखंड में 3 साल में 5,108 खुदकुशी। सबसे ज़्यादा आर्थिक तंगी से बेरोजगारी में मौतें भी बढ़ी है। केंद्र सरकार ने 3 वर्ष में आर्थिक तंगी से के चलते दिवालिया होने और बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने वालों का आंकड़ा बुधवार को संसद में पेश किया गया। तो नेक्स्ट चलते हैं, सरकार ने राज्यसभा में बताया कि 2018 से 2020 के बीच बेरोजगारी की वजह से लगभग 9,141 लोगों ने जान दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हवाले से 2018 से 2020 के बीच दिवालिया होने और कर्ज के दबाव में कारण 16,000 रुपया लोगों ने आत्महत्या की। मंत्री ने यह जानकारी राज्यसभा सदस्य खुर्शी यादव, छाया वर्मा और विश्वभर निषाद के सवालों का जवाब दी। इधर झारखंड में 3 साल के कुल 5,108 लोगों ने खुदकुशी की है। इनमें अलग अलग हैं, सबसे ज़्यादा खुदकुशी पिछड़े वर्ग तंगी की वजह से मानी गई है। तो ये आप देख सकते हो कि बेरोजगारी की दर है, तो कहीं ना कहीं जो है एक जनसंख्या सबसे बड़ा कारण उभरा है। इसको कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है, उसके बाद ऑटोमेटिक जो है पूरे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं न्यूज़ की ओर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं न्यूज़ की ओर। पाकिस्तान के रास्ते आ रहे 2,000 करोड़ का टैक्स जब्त हुआ है। तस्करों पर नकेल कसने के लिए भारतीय नौसेना के साथ NCB ने मिलकर कार्रवाई की है। NCB को सूचना मिली थी कि ड्रग्स ले जाने वाली 2 बड़ी नावें अरब सागर से गुजरात की ओर आ रही है। इसके बाद टीम ने भारतीय नौसेना के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें यह कामयाबी मिली है। यह ऑपरेशन करीब कहा जाए तो भारतीय नौसेना के सहयोग से उप महानिदेशक संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में NCV ने किया। इससे पहले अप्रैल 2021 में 150 करोड़ रुपये की 30 किलो हीरोइन के साथ जो है यह तस्करी के लिए गिरफ्तार किया गया था। तो आजाद कुल मिलाकर पाकिस्तान भी इससे पहले अप्रैल 2021 में 150 करोड़ रुपए की 30 किलो हीरोइन के साथ 8 पाकिस्तानी तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो है इनकी मनोबल लगातार बढ़ रही है देश में, जिसके कारण से जो है ये गैर कानूनी कार्य तेजी से देश में हो रहे हैं। तो बेहद जरूरी है कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी से मिलकर इस पर कार्रवाई करे। चलिए नेक्स्ट न्यूज की चलते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हो आप, जब्त ड्रग्स में 529 किलो हशीश से 234 किलो मेथमफेटामाइन भी है। विदेश से मंगाए जा रहे हैं ड्रग्स। इधर ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़, 22 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। चलिए देख सकते हो, इधर ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ जो है 22 लोग गिरफ्तार किया गया है। इधर NCB ने देश भर के फैले ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। डार्कनेट और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ये कारोबार किया जा रहा है। गिरफ्तार लोगों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वित्त विश्लेषक व NCV का एक कर्मचारी शामिल है। NCV ने ड्रग्स के प्रमुख बाजार DNM इंडिया, DRDE और द ओरिएंट एक्सप्रेस का भंडाफोड़ किया है। तो ये आप देख सकते हो कि कितने बड़े पैमाने पर जो है साजिश रची गई भारत के खिलाफ। तो आशा है कि जल्दी भारत सरकार इस पर एक्शन लेगी। और तो चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सभा के धन्यवाद। तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए नेक्स्ट नई जानकारी के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, सभा के धन्यवाद। उससे पहले एक और जानकारी आपको देनी थी कि इसरो आज जो है साल का पहला उपग्रह EOX-4 को अंतरिक्ष में भेजेगा, भेजने वाला था। तो ये EOX-4 क्या है एक्चुअली, उसके बारे में तभी जान लूँ। EOS-04 एक रडार इमेजिंग सेटेलाइट है। इसे कृषि वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान तथा
मानचित्र जैसे उद्देश्य सभी मौसम स्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सेटेलाइट छात्र रवानी रवानगी भी है INX 2D। तो ये साल का पहला जो है इसरो का होगा। इसरो की एक महिला जो है आई है और चेयरमैन बनी है। तो पहली बार जो है इसरो खुद अपना सेटेलाइट भेज रहा है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो नेक्स्ट नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सेवा खैर, धन्यवाद। चलिए तो आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी जवाबदेही को पूरा करेंगे। तो चलिए आप सभी से अलविदा लेता हूँ। तो आप सभी से अलविदा लेता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू सबके के धन्यवाद। थैंक यू अगेन। थैंक यू।